2024 के आम चुनावों और अगले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अभी से योजनाएं और नीतियां बना रही है ताकि उस पर हारने वाली पार्टी का जो ठप्पा लग चुका है वो दूर हो सके। मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हरियाणा ऐसे तमाम राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता आपसी कलह के कारण गंवा दी, इसलिए कांग्रेस आलाकमान अब सुधार की कवायद में लगी है। कांग्रेस ने पंजाब और हिमाचल की राज्य इकाइयों में बदलाव के बाद अब हरियाणा का रुख किया है। आपको बता दें कि हरियाणा की सत्ता भी कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा की रस्साकशी में गंवा दी। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से हैं, लेकिन जाट बिरादरी से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा उनका विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस को दलित और जाट दोनों का साथ जीतने के लिए चाहिए। कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद दलित समुदाय की नाराजगी का खतरा है। सोनिया गांधी कुमारी शैलजा को हटाने का गलत संदेश भी नहीं देना चाहती है और भूपिंदर सिंह हुड्डा की अनदेखी कर जाट बिरादरी को भी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में हुड्डा कैंप के दलित नेता उदय भान को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दाव कांग्रेस खेल सकती है। चार बार विधायक रह चुके उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने से न दलित नाराज होंगे न हुड्डा को कोई आपत्ति होगी। कांग्रेस आला कमान की निगाह में पूर्व सीएम और गैर जाट नेता रहे भजन लाल के बेटे कुलदीप विश्नोई भी हैं, जिन्होंने इसी हफ्ते प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की है। आदमपुर सीट से विधायक कुलदीप विश्नोई प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात में क्या फैसला हुआ और कौन सी भूमिका विश्नोई निभाएंगे ये तय नहीं है। खबर ये भी है कि अब भूपिंदर सिंह हुड्डा को दिल्ली बुलाया गया है, इसके बाद फैसले का ऐलान हो सकता है। वैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव देने की खबर थी, लेकिन फिर उन्हें नेता विपक्ष का पद छोड़ना पड़ता। बताया जा रहा है कि हुड्डा इसके लिए राजी नहीं हुए और अपने करीबी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी और कौन कांग्रेस को फिर जिताने में कामयाब होगा।